Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How are you guys doing? I am back with another video. और आज बहुत टाइम बाद let's talk about iguanas today. क्योंकि बहुत ज़्यादा obviously you can see बहुत सारे pet shops पे अब iguanas are one of the most common exotic pet जो कि आपको मिल सकता है. तो yes, we're gonna talk about it. So yes, let's start this. तो यस, आई एम फिल्मिंग बहुत दिनों बाद अपने ही रूम से. एंड आई हैव टू iguanas विद मी. एक मेरी ब्लू वाली है जिसका नाम अभी तक रखा नहीं है मैंने, और वन इज अल्बाइनो जो कि मेरे पापा ध्यान रखते थे जिसका. और यस, अभी मैंने थोड़ा सा इनका जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी किया था, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं. पहले मैं iguana को लेकर आता हूँ. वेरी ब्यूटिफुल ब्लू iguana जिसको हम एग्जांटिक iguana के नाम से भी जानते हैं. सो एवरीबडी, दिस इज दैट iguana. लेट मी गेट इन फोकस. यस, तो ये अभी मेरा मेरी उंगली का टेस्ट लिए जा रही है. तो हाँ, इसकी थोड़ी सी आपको पूछ, आप देख सकते हो कि इसकी पूछ कटी हुई है, क्योंकि जब मैं गोवा गया था एक प्रोजेक्ट के लिए, तो ये बेचारे को मुझे किसी को फॉस्टर करने के लिए देना पड़ा. उनके पास और भी iguana थे, तो इसको वो iguanas पसंद नहीं आए, तो इसने उनकी बहुत पिटाइयाँ की और ये वहाँ से भागने लगी. और जब भागने लगी तो उनके एक वर्कर ने इसकी पूँछ पकड़ के ऐसे खींचा, तो उसकी पूँछ टूट के उनके हाथ में रह गई. सो दैट्स हाउ दिस लकी गर्ल लॉस्ट हर टेल. ये एक्चुअली मैं एक फीमेल ही है. मैंने अभी इसका जेंडर और वो सब आइडेंटिफाई कर लिया है. अब फाइनली ये इस एज पे पहुंच गए हैं कि इनका मैं बहुत अच्छे से ना जेंडर देख सकता हूँ. इट्स विजिबल. तो यस, दिस वन इज़ अबाउट एक साल के अराउंड की. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सी है ये. आई लव ब्लू iguanas. दिस इज़ एग्जांटिक ब्लू. दे आर ऑल्सो वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये हॉबी में अभी. पर असल सवाल आता है कि क्या लोगों को इनके बारे में पता है. तो एक iguana पालने में और एक iguana बेचने में बहुत फ़र्क होता है. लोगों को काफ़ी सारे ही लोग हैं, ऑलमोस्ट 90% आई वुड से, जो कि इनको बेचारों को बेचते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता. दे डोंट नो कहाँ से iguana आया है, कहाँ से नहीं आया है, उसको कैसे रखना चाहिए, उसको क्या खिलाना है. उन्होंने जो देखा होता है, उन्हें जो बताया होता है लोगों ने, वो बस उसी को फॉलो करते हैं और आगे बेच देते हैं. दैट्स वाई किसी भी आप पेट शॉप पे जाके अब बोलोगे कि iguana चाहिए, तो आपको iguana मिल जाएगा 7 से 8 हज़ार मात्र. इससे तो ज़्यादा क्या ही होगा. इससे जो बड़े iguanas होते हैं उनके फिर साइजेस के हिसाब से प्राइस इंक्रीज होते हैं. सो हेयर इज माई iguana बास्किंग करते हुए, और बास्किंग करते हुए द लाइट दैट यू कैन सी इज एक्चुअली ब्लू इन कलर. वो UVB होती है और लोगों को उसका मतलब नहीं पता होता है. आई विल शो यू सामने से जहाँ पे इसने मिट्टियाँ लगा के सारा गंदा किया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो दिस इज द लाइट, और ये उसके सामने बैठा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से. कभी कभार क्या होता है, ये काले हो जाते हैं UVB के सामने, बट दैट्स टोटली नॉर्मल. इसको मैं 2-3 घंटे चला के रखता हूँ, इसको मज़ा आता है, तो ये सामने बैठे रहता है. अगर ये उसके पास एक बार भी नहीं जाता तो मैं इसको आधे घंटे में ही बंद कर देता हूँ. ये थोड़ा ग्लास इज अ लिटिल फॉगी, तो इस वजह से ऐसे हुआ भाई. ये बहुत ही प्यारा सा है. ये बहुत जंगली आया था मेरे पास, बिल्कुल भी टेम नहीं था जब आया था. अब तो थोड़ा सा चिल करता है और वेरी वेरी गुड. पर हाँ, काफ़ी सारे ऐसे पेट शॉप्स हैं जिनको लोगों को पता भी है, काफ़ी ऑनलाइन भी बेचते हैं. तो यस, यू गाइज कैन गो विद देम, क्योंकि काफ़ी और भी आजकल नया जो शुरू हो गया है एग्जॉटिक पेट स्मगलिंग. पूरे वर्ल्ड के जितने भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं वो इसी चीज़ के वजह से परेशान हैं कि पूरी दुनिया में आपको सारे जानवर अवेलेबल हो रहे हैं. यहाँ बैठे बैठे लोग अफ्रीका, अमेरिका और तो थाईलैंड तो बहुत कॉमन है,
तो कहीं के भी जानवर लोग ना खरीद सकते हैं, तो क्योंकि जितने छोटे छोटे जैसे काफ़ी ट्राइब्स हैं अफ्रीका में, उनका काम ही ये है, वो वहाँ के जितने भी सांप हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनको पकड़ के एग्जॉटिक पेट स्मगलिंग में आगे उनको बेच देते हैं। बहुत सारी जगह हो रहा है ये, मार्मोजेट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पेरू की साइड से मार्मोजेट के बच्चे स्मगल होके आते हैं, उनकी माओ को मार दिया जाता है। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, इस पर इंटीरियर में बात करेंगे, क्योंकि बहुत डीप सब्जेक्ट है। अभी सिर्फ इगुआनास के बारे में बात करते हैं। तो यस, इगुआनास आर ग्रेट पेट्स, दे कैन मेक ग्रेट पेट्स, यस, पर आप उसको सही जगह से लीजिए। और काफ़ी इसका टेस्ट करने का सबसे अच्छा, काफ़ी अच्छा तो नहीं, सबसे अच्छा मैं एक ही तरीका बोलूँगा, जस्ट आस्क अबाउट द इगुआना, जो सेलर है उससे इगुआना के बारे में पूछिए, उसको उसका मॉर्फ भी पता होगा, वो ग्रीन मिक्स है, वो ब्लू है, वो अल्बाइनो है, वो लुटीनो है, उसको पता होगा वो किस तरीके का इगुआना है। वो सिर्फ ऐसे हवा में तीर नहीं चलाएगा, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पहले डाइट को लेकर, तो यू गाइस कैन गो एंड चेक देम आउट। ऑलिव के साथ मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, और ये इगुआना पीछे घूमे जा रहा है मेरे, ओई ओए आजा। इनकी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और यस, मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, आपको अगर आपके पास इगुआना है यू कैन Go and see that. ये I just love them. ये एकदम vegetarian होते हैं. They are just amazing. This one is my father's iguana. मेरे पापा इसका ध्यान रखते हैं. ये एकदम olive की तरह रहता है पूरे घर में ऐसे खुला, तो इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है किसी ऐसे बंदे के हाथ में आना, स्पेशली अगर वो अनजान हो, क्योंकि मैं तो इसके लिए अनजान ही हो गया हूँ। मैं ब्लू वाला मेरे साथ रहता है मेरे घर पे, और मेरे मम्मी पापा के पास रहता है ये शैतान इंसान। तो ये है एक अल्बाइनो, वन अल्बाइनो इगुआना, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो बोलते हैं ना लोग। ये इसकी पूंछ भी एकदम अच्छी है, एंड इज़ वेरी हेल्दी। ये पूरे टाइम ऐसे भागता दौड़ता रहता है, इधर से उधर कूदना और वो सब करना, जैसे इगुआना, जैसे ऑलिव रहती थी ना, बिल्कुल वैसे रहता है। एक अल्बाइनो को काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार होती हैं ऐसे कि उनको आपको डाइट थोड़ी सी ऑल्टर करके देनी पड़ती है, डाइट भी ऑल्टर करनी पड़ती है, आपको बास्किंग भी उनकी ऑल्टर करनी पड़ेगी, और कभी कभार उनको हाथ से खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्बाइनो होते हैं और उनको दिखता सही से नहीं है, लोगों को ये भी नहीं पता होता। काफ़ी बार छोटे छोटे इगुआनास लोग ले आते हैं विदाउट द एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं उनको, और उनका बहुत मन होता है इगुआना पालने का, तो वो लेकर आते हैं उनको, उनको रखते हैं, उनको आइडिया नहीं होता बेचारों को कि उसको क्या देना है, क्या खिलाना है, और उसके बाद इगुआनास मर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी ब्रीडिंग भी अच्छे से नहीं होती, उनके माँ बाप भी ऐसे कमज़ोर ही हुआ करते हैं होंगे, सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो बहुत ज़रूरी है आप एक अच्छी जगह से अपना इगुआना लो, और अगर आपको आपके पास इगुआना है तो उसके बारे में पढ़ो, उसकी डाइट चार्ट बहुत सारे हैं जो गूगल पे अवेलेबल है। ये मुझे चाट रहा है, गूगल पे बहुत सारे डाइट चार्ट अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे ऑलिव के टाइम पर, तो यस यू कैन यूटिलाइज दैट। और उसके अलावा रेप्टाइल्स में दे आर वन ऑफ द बेस्ट पेट्स एवर, क्योंकि ये वेजिटेरियन होते हैं, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते, और हाँ, अगर आप पर इनको अच्छे से नहीं पालोगे, इनको अच्छे से दोस्ती नहीं करोगे इनके साथ ऐसे, तो ये आपके काट लेंगे बड़े होके, तो बस उसकी वजह से हैंडलिंग करके रखो अच्छे से, और टेम करके रखो उसको, थोड़े थोड़े दिन में ना, थोड़ा आधा घंटा एक घंटा उसको अपने पास रखो, अपने हाथ से खाना खिलाओ, तो ट्रस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। रेप्टाइल्स पपीज़ और डॉग्स या कैट्स से बहुत अलग होते हैं, तो इसलिए उनके डिमांड्स भी थोड़े अलग होते हैं, इसलिए हम उनको हमेशा अपनी गोदी में नहीं रख सकते, उनको अपना टाइम भी चाहिए होता है। तो हर चीज़ के बारे में मैं डीपली बात करूँगा, बट दिस इज़ द सिनेरियो इन इंडिया गोइंग राइट नाउ, कि लोगों को, बेचारों को पता नहीं होता है कि इगुआना को क्या खिलाना है, क्या देना है, कहाँ से लेना है, तो वो सस्ते के चक्कर में बेचारे बीमार इगुआनास को उठा देते हैं, फिर वो फौना फाउंडेशन में कॉल करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे इगुआनास को ये हो गया है, ये है, वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू गोना थिंक
कि इगुआनास लेना है तो एक अच्छे इंसान के पास जाकर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे भी हैं, वो बेचते हैं इगुआनास बहुत अच्छे से और उनको ब्रीड भी करते हैं बहुत अच्छे से। काफ़ी बार मैं इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ उनके बारे में भी। पर यस, दिस इज़ गुड। मेरे दोनों इगुआनास अलग अलग जगह से आए थे। एक तो मैंने राहुल भैया से लिया था, एक मुझे सर्वेश ने दिया था मुंबई से, तो उसके पास से मैंने मंगाया था। दोनों इगुआनास आर वेरी गुड। सो यस, दिस इज़ हाउ इट इज़। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। कोविड दोबारा हो गया है, मेरे काफ़ी जानने वालों को हो गया है, न्यूज़ आई हैं, तो प्लीज़ टेक केयर। थोड़ा मास्क पहनो, सैनिटाइजर वगैरह प्लीज़ यूज़ करो। एंड इफ़ यू सी एनी एनिमल अराउंड योर हाउस जिसको आपकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसकी ज़रूरत पूरी करो। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।